हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है मंडे, तो सुबह सुबह का वेदर मैं दिखा देती हूँ। जस्ट अभी मैं उठ के आई हूँ बाहर, और दूध की बोतल लेने तो मुझे आना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बाहर का वेदर एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। तो जस्ट थोड़ी देर में धूप आने ही वाली है, सनराइज़ होने वाला है, और इस टाइम पे बहुत अच्छा व्यू आता है बाहर का। तो अभी मैं दिन की शुरुआत करूँगी अपनी, 7 बजे का टाइम हो रहा है। वैसे मैं 6 बजे उठने वाली थी, 6 बजे का अलार्म भी लगाया था, लेकिन नोनो को सुलाते सुलाते रात को काफ़ी लेट हो गई, और फिर वो रात भर हाथ पैर हिलाते रहा, तो उस चक्कर में बार बार नींद डिस्टर्ब होती है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर सो ही जाते हैं, तो अभी तो वो सोया हुआ है। और यहाँ पर फ्रेशन अप होके मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, उसके बाद क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि फिर अगर नोनो एक बार उठ गया ना, तो फिर वो मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बनाने देगा। बाकी क्लीनिंग तो मैं कर सकती हूँ आराम से, तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले पराठे बना लेती हूँ। और रात का लेफ्ट ओवर आटा था, काफ़ी सारा हो गया था, मैं रात को बना नहीं पाई थी ज़्यादा रोटी, तो इसीलिए बच गया था। तो मैंने सोचा पराठे बनाते हैं, और उसके साथ में सब्ज़ी भी लेफ्ट ओवर थी, तो सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी, बस मैं पराठे सेक के रख लूँगी, और जब मुझे नाश्ता करना होगा तब मैं उसके साथ गरम गरम चाय बना लूँगी, क्योंकि पराठे सेकने में टाइम लगता है और इतना टाइम मुझे नोनो देगा नहीं मॉर्निंग में, तो इसीलिए पराठे मैंने पहले सेक लिए। तो अब मैं क्लीनिंग करूँगी, और सबसे पहले दूध मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, और उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। बेडरूम का डोर मैंने क्लोज़ किया हुआ है, और मॉर्निंग के टाइम पे बहुत शांति रहती है यहाँ पे, तो इतना डिस्टर्बेंस होता नहीं है, तो आराम से सोता रहता है। मॉर्निंग में उसको अच्छी नींद आती है, तो करीबन 7:30 या 8 बजे के टाइम पर ही उठा था। तो यहाँ पे झाड़ू हो गया है, मॉप हो गया है, और मैं सब जगह दरियाँ बिछा लूँगी, और बाकी सुबह सुबह क्लीनिंग हो जाए ना घर की, तो फिर दिन जो है काफ़ी हल्का हो जाता है, काम काफ़ी हल्का हो जाता है, क्योंकि स्वास्तिक फिर बार बार फ्लोर पे ही खेलता रहता है ना, तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह क्लीनिंग करनी ज़रूरी रहती है। तो इसीलिए सबसे पहले क्लीनिंग का काम मेरा डन हो गया है। और अभी करीबन 8:30 बज गए हैं, स्वास्तिक उठ गया था सो के, और बाहर पे कैली आई है, तो मैं उसको बाहर उसे दिखाने के लिए लेके आई हूँ। अच्छा लगता है ना उसे सुबह सुबह उठ के अच्छी सी धूप में बाहर लेके आओ, तो वैसे भी आजकल सर्दी होती है और सुबह सुबह की धूप काफ़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए करीबन 5-10 मिनट में उसको धूप में ले आती हूँ, और यहाँ पर वो कैली को भी देख लेता है और खुश हो जाता है उसको देख के। नो, क्या कर रही है कैली? ये देखो, कैली के साथ बातें हो रही है। हेलो बोलो, से हेलो। मॉर्निंग 8:30 बज गए हैं, और क्लीनिंग सारी डन हो गई है, और मैंने दरियाँ इस तरह से बिछा दी हैं, कारपेट बिछा दिया, अंदर ब्लैंकेट बिछाया, और अभी मैं ना चाय बना रही हूँ अपने लिए। चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के फिर काम करो, इतने सारे थकान हो जाती है और फिर भूख भी लगती है। तो अभी नाश्ता तो करूंगी नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद करूंगी। नोनो को मुझे मसाज वगैरह देनी है और उसका नाश्ता भी बनाना है, तो वो खुश हो रहा है कैली के साथ बातें करके, तो मैंने सोचा उससे पहले एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। बेटा क्या हुआ, कैली कहाँ है? क्या कह रही कैली? क्या बोला कैली ने? क्या बोला? इतना खुश होता है ना वो कैली को देख के वो। हाँ कैली, जाओ कैली के पास जाओ, बुलाओ उसको अंदर बुलाओ। 9 बज गए हैं अभी, नोनो को मैंने मसाज देके रेडी कर दिया है, नीचे पे पतला वाला ब्लैंकेट बिछाया है, क्योंकि आजकल ठंड होने लगी है और नोनो को हर समय इधर से उधर घूमना होता है, और मैंने मसाज यहीं पे इसको लिटा के दी थी, क्योंकि फिर ना ऊपर फिर इसको लिटाओ, फिर सामान वगैरह निकालो, बहुत दिक्कत होती है अकेले, तो इसलिए मैंने नीचे लिटा के रैशिट के ऊपर बिछा के इसको मसाज वगैरह दे दी थी। और अभी मैंने बेड भी साथ के साथ टाइडी अप कर दिया है, ब्लैंकेट वगैरह, सर्दियों में ऐसा होता है ना, ब्लैंकेट्स रजाई अगर फोल्ड करके ना रखे हों तो बेड बहुत ही ज़्यादा मैसी लगता है, बहुत ख़राब लगता है वो देखने में, तो मुझे देख देख के फिर उलझन होती है, तो इसीलिए सर्दियों में तो खासकर मैं ब्लैंकेट तुरंत फोल्ड कर देती हूँ जब भी मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं एप्पल पील कर लूँगी, इसको मैं हल्का सा स्टीम कर लूँगी, वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये वाले एप्पल, हल्का सा मैं गरम कर लूँगी स्टीम करके, और उसके बाद इसको मैश करके मैं नोनो को दे दूँगी। आजकल मैं प्यूरी वगैरह कम बना रही हूँ, क्योंकि उसके दांत भी आ गए हैं और उसको थोड़ा सा चबाने की हैबिट भी लगे, इसीलिए मैं उसको थोड़ा मैश करके देती हूँ फूड। नाश्ता हो गया, उसको एप्पल प्योरी खिला दिए, और ये है मेरा नाश्ता, तो चाय बना दिए मैंने, कल की लेफ्ट ओवर सब्जी, और ये है पराठे।
सुबह के 10:30 बज गए हैं और अभी मैंने किचन क्लीन नहीं किया है। मैं नोनो को शॉप में लेके गई थी, मुझे दही चाहिए थी, तो एक बड़ा पैकेट में दही का ले आई हूँ। मैं कढ़ी वगैरह कुछ बना लूंगी, 2-3 दिन तक काम आ जाएगा। और वो इधर से उधर भाग रहा है और खेल रहा है। आज कपड़े सारे मैंने मशीन में लगा दिए थे, कुछ इसके सॉक्स वगैरह जो गंदे थे वो हाथ से वॉश करने हैं, बाकी मशीन में धुल चुके हैं कपड़े, वो मुझे धूप में डालने हैं अभी। उसके अलावा किचन क्लीन करना है और मैं लंच बनाऊंगी उसके बाद। तो धीरे धीरे करके काम कर रही हूँ। अभी आधा घंटा तो मैं इसी के साथ ही इसको खिला रही थी, खेल रही थी इसके साथ। अभी थोड़ा सा वो ठीक है, एक्टिव मोड में आया, अदरवाइज अभी तक रो रहा था, उसको बाहर घूमना था, बाहर लेके गई मैं उसको। तो अभी जब तक वो खेलता है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धूप में डाल लेती हूँ। मेन वाइल कपड़े मैंने मशीन में जो लगाए थे वो सारे वॉश हो चुके हैं, तो मैं इनको फटाफट से धूप में सुखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सी धूप आती है। और सर्दियों में तो खासियत ये है कि यहाँ पे जल्दी धूप आती है, 9:30 के बाद यहाँ पे अच्छी सी धूप आने लगती है और दिन भर यहाँ पे 3-3:30 बजे तक धूप रहती है। तो इस बीच में अगर कपड़े टाइम से धो के डाल लो ना धूप में, तो टाइम से सूख जाते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं, धूप चली जाती है, हल्की सी नमी उनमें रह जाती है फिर। और यहाँ पे नोनो की मस्ती फिर से शुरू हो गई है, वो बालकनी में आ जाता है और यहाँ पे डोर के पास खड़ा रहता है। जैसे ही मैं डोर ओपन करती हूँ वैसे ही वो मौका देखता है कि मैं कब बाहर निकलूँ, और बस उसने मौके का फ़ायदा उठाया और वो बाहर निकल के मस्ती कर रहा है इधर से उधर। 11:30 बज गया है और स्वास्तिक को मैं छत में लेके आई हूँ, इंजॉय कर रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। हेयर वॉश किया है ना, तो बाल थोड़े से गीले हैं और धूप में सूख भी जाएंगे, और नहाने के बाद ठंड लगती है तो धूप में बैठने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये भी इंजॉय कर रहा है, मैं भी धूप सेक रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अब मुझे बस नीचे चल के खाना बनाना है, तो खाना मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो ये नैप लेगा, सोएगा 1-1.5 घंटा, तो मैं उस बीच खाना बना लूँगी। मैंने सोचा थोड़ी देर हम घूम के आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि इसे अच्छा लगता है ना ऊपर, तो मैं आजकल ले आती हूँ। और इसका वॉकर जो है मैंने ऊपर ही रखा हुआ है, ऊपर ही रखती हूँ मैं, ऊपर ही हम लोग आते हैं और इसको वॉकर में बैठा के घूमता रहता है ये। अब भी देखो ये कितना खुश रहता है। यहाँ पे स्कार्फ से मैंने इसका सर कवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ हवा चलती है, और इसकी जो कैप है वुलन वाली वो बहुत मोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी गर्मी हो जाएगी, इसीलिए मैंने पतला सा कॉटन का कपड़ा बांध दिया है सर पे। मम्मा कहाँ है, कहाँ है मम्मा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, कम गुड, कहाँ है मम्मा, आओ 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 मम्मा पाच। तो 12 बज गए हैं अभी और करीबन 20-25 मिनट छत पे धूप सेक के हम लोग फिर से आ गए हैं नीचे। और नोनो को उसके बाद नींद आ गई थी, तो उसको मैंने सुला दिया है, और उसके बाद मैं फटाफट से घर के काम में लग जाऊंगी, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मैसी था। तो सबसे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर लूँगी, ठीक ठाक कर लूँगी घर को, कुशन वगैरह ना मैं रात को बेडरूम में लेके जाती हूँ, फिर रात को मतलब मॉर्निंग में होते ही सारे कुशन मैं बाहर रख देती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से बिखरे हुए थे। अदरवाइज़ ये वाला रूम तो थोड़ा सा टाइडी अप रहता ही है। और एनिवर्सरी वाले व्लॉग में देखा होगा कैंडल्स वगैरह मैंने निकाली थी, वो भी मैं रख दूँगी। और यहाँ पे खाना वाना खाया था, कुछ पेस्ट्री वगैरह लग गई थी, मैं डस्टिंग नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिल पाया था, तो अभी मैं अच्छे से स्प्रे लगा के इसको क्लीन कर लूँगी। और बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन है और सब टाइडी मैंने कर दिया है, और फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में और साथ ही साथ लंच की भी तैयारी करूँगी। तो राइस मैं सोक करके रख दूँगी, और सोक करके राइस बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है और अच्छे भी बनते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वाले। तो चावल मैं भिगो के रख दूँगी और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। और दही का ये बड़ा पैकेट मैं मॉर्निंग में लेके आई थी, नोनो को साथ में लेके गई थी, क्योंकि अकेले तो छोड़ नहीं सकती, तो उसको साथ लेके गई थी, क्योंकि चाहिए होती है ना कभी कढ़ी वगैरह बनानी हो जाए, तो इसीलिए घर में दही रहना चाहिए। और जैसे ही खाना मैंने रखा था वैसे ही स्वास्तिक उठ गया, तो बस यहाँ पे वो भी आ गया है मेरे साथ किचन में, और मेरी काफ़ी हेल्प करने वाला है अब वो कुकिंग करने में।
गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और किचन बहुत ज्यादा मैसी है। लंच हमारा हो गया है तो अब मैं फटाफट से किचन क्लीन करती हूँ। नोनो को मैंने वहां बिठाया हुआ है बेडरूम में, वहां पे धूप आ रही है तो वहां पे खेल रहा है। उसको मैंने टॉयज वगैरह दिए हुए हैं तो जब तक वो बिजी रहता है ना मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और सुबह के बर्तन अभी मैंने वॉश किए थे थोड़ी देर पहले ही, अभी लंच वाले फिर से हो गए हैं तो मुझे वो भी वॉश करने हैं। और मैं स्टोव भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं क्लीन ही नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। रात को भी मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, रात को भी हल्का हल्का ऊपर से कपड़ा मार के कर लेती हूँ क्योंकि फिर रात को नोनो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है तो उसकी वजह से मुझे सब जल्दी जल्दी में करना होता है ना, तो इसीलिए अभी मेरे पास टाइम है तो मैं फटाफट से करती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे छत में धूप खाने के लिए। यहाँ पे मैं कुकटॉप और स्टोव क्लीन करूंगी थोड़ा अच्छे से सोप वगैरह लगा के, क्योंकि फिर मॉर्निंग में हो नहीं पाया था अच्छे से, मॉर्निंग में सब जल्दी जल्दी में करना पड़ा था, तो यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा इसकी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। खाना वगैरह बनाते टाइम कुछ ना कुछ इसमें गिरता रहता है दाग धब्बे और थोड़ा सा ग्रीसी भी हो जाता है ना, तो इसीलिए सोप लगा के एक बार क्लीन करना तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि स्वास्तिक अभी खेल रहा था, उसको मैंने बेडरूम में छोड़ा हुआ था और वहाँ पर अच्छी सी धूप रहती है और इतना ठंडा भी नहीं होता। जब धूप रहती है ना तो बेडरूम थोड़ा सा गर्म रहता है, और वैसे भी वो बेडरूम में ही नहीं रहता, किचन में भी आता रहता है। मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे देखता है फिर वापस चला जाता है, तो इस तरह से वो घूम घूम के खेलता रहता है और बिज़ी है अभी, क्रैंकी नहीं है, तो इसीलिए मैं अपना काम इजीली कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से सोप से स्क्रब करके मैंने स्टोव और कुकटॉप टाइल्स वगैरह क्लीन कर ली हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और लूँगी क्लीनिंग में और बाहर से ये कैबिनेट सारे क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये भी ग्रीसी हो जाते हैं और हफ्ते हफ्ते मैं इनको क्लीन करते रहती हूँ। मैं ये बर्तन वॉश हो चुके हैं, सिंक वगैरह सब क्लीन हो गया है और मैंने ना कुछ सब्जियां ऑर्डर करी थी तो भैया अभी पहुँचा के गए, ये भी मैंने वॉश कर दिए हैं। लौकी ख़त्म हो गई थी, दलिया के लिए तो चाहिए होता है, और आलू ख़त्म हो रहे थे, साथ में शिमला मिर्च और अरबी, प्याज भी था तो मतलब 1 kg प्याज इसको मैंने रख दिए हैं। हरा धनिया काफ़ी फ्रेश है, इसको मैं बाद में छानूंगी। और कुकटॉप वगैरह सब क्लीन है, स्टोव मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन किया है तो एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। कुछ बर्तन हैं नोनो के, इसमें बोटल्स, तो इसको मैं स्टेलाइज करूंगी शाम को। नोनो धूप में गेम खेलना जा रहा है, धूपू में बहुत ही आराम से खेल रहा है यहाँ पे, और इसने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और सारी किचन क्लीन करने में, बर्तन वगैरह वॉश करने में बिल्कुल भी नहीं रोया, अपना खेलता रहा। तो आधा पौन घंटा तो मुझे लगा किचन क्लीन करने में अच्छे से। तो हस्बैंड ने ना कुछ क्लिप्स भेजी है मुंबई की, तो वो या तो इस ब्लॉग में या तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं हो पाता है ना, तो इस फोन से मतलब दूसरे फोन से इस वाले फोन पे मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर मैं एडिट करके आप लोगों को शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए अब हम जा रहे हैं छत में और वहाँ थोड़ी देर धूप खा के आते हैं, धूप सेकते हैं। और मैंने आज कंघी भी नहीं करी है ना, हेयर वॉश करा है, बाल सूख चुके हैं लेकिन कंघी करने का टाइम नहीं हो पाया है, तो अभी तो सारे काम हो चुके हैं, वहाँ से आके करूंगी मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, थोड़ी देर घूम के आते हैं। तो अभी इवनिंग टाइम हो गया है, शाम के 4:45 बज रहे हैं और नोनो फिर से सो गया है, सेकेंड नैप उसकी स्टार्ट हो गई है। तो वो दिन में 2 बार सोता है, एक बार मॉर्निंग में 11-12 बजे के टाइम पे और एक बार शाम को सोता है करीबन 3, 4 या फिर 5 बजे तक भी सोता है कभी कभी। तो अभी वो सोएगा थोड़ी देर, तब तक मैं किचन के काम कर लेती हूँ और डिनर की तैयारी करूँगी। इससे पहले जो सब्जियाँ मैंने मंगाई थी इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में लगा के, और आलू भी मैंने वॉश किए थे क्योंकि आजकल ना आलू बहुत मिट्टी वाले आते हैं तो इसलिए उनको वॉश करके रखना ही ठीक रहता है, अदरवाइज़ पूरी बास्केट ख़राब हो जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और स्टोव वगैरह मैंने क्लीन किया था, इसके अटैचमेंट भी सारे वॉश किए थे तो इनको मैं लगा दूंगी और उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। उससे पहले हरा धनिया काफ़ी फ्रेश था, इसको भी मैं छान लूंगी और इस तरह से टिश्यू पेपर लगा के ना मैं रख देती हूँ एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके, तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश बना रहता है। तो आज मैं अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, इसके लिए सारी चॉपिंग मैंने पहले ही करके रख ली है। तो खाना बनाते टाइम अगर आप सारी चॉपिंग पहले करके रख लो, सारी चीज़ें तैयार करके रख लो ना, तो कुकिंग आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और बहुत इजी हो जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्याज भून रहे हैं साथ ही साथ टमाटर भी कट कर रहे हैं, तो इसमें ना मुझे लगता है काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। इस बीच में अगर पहले से सारी तैयारी करके रख लूँ तो जब तक प्याज वगैरह तैयार होगी तब तक मैं कुछ और काम कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं पहले से ही चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो 5 बज गया है, नोनो सो के उठ गया है, 1 घंटा ये सोया था, इस बीच मैंने सब्जी चढ़ा दी है और सीटी आएगी, सब्जी बन जाएगी। उसमें मुझे दही डालनी है, बाद में ऐड करूंगी मैं।
अब मुझे इतने सारे कपड़े हैं ना ये फोल्ड करना है, मैं फोल्ड करती हूँ अभी बैठ के, और उसके बाद थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, नोनो को मैं बाहर घुमा के आती हूँ। आज इसने ना माथे के बीच में चोट लगा दी है और बिंदी जैसा लग रहा है, लाल लाल। बेटा दिखा दो, ये चोट एक्चुअली इसने पता नहीं कहाँ पे लगाई, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये है इसके काम। और आज हस्बैंड का एक पार्सल आया है, उन्होंने अमेजोन से अपने लिए बॉडी वार्मर्स ऑर्डर किए थे, ये हैं लक्स कॉट्सवूल के। तो एक तो पूरा सेट है, ये अपर एंड बॉटम पूरा सेट है ये, और एक सिर्फ बॉटम है। और मैंने खोल के चेक कर लिया, नहीं बॉटम एक्चुअली एक है और अपर दो है, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे ना, जैसे हमारे रेगुलर बॉडी वार्मर होते हैं उससे काफी मोटे लग रहे हैं। जिस तरह का ये स्वेटशर्ट है उसी तरह का फैब्रिक इसमें यूज किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने भी अपने लिए मंगाया, मेरे बॉडी वार्मर जो है ना वो खराब हो रहे थे तो मैंने भी ऑर्डर किया है, लेकिन ये मैं अभी ऐसे रख रही हूँ क्योंकि उनका साइज का कुछ पता नहीं है। वैसे तो ठीक ही लग रहे हैं लेकिन जब वो पहन के ट्राई करेंगे ना तो फिर ही पता चल पाएगा एग्जैक्ट साइज, अदरवाइज फिर एक्सचेंज करना हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसीलिए मैं पैकिंग वगैरह इसी तरह से एज इट इज रखती हूँ, जब हस्बैंड आएंगे तब ट्राई करके फिर डिसाइड करेंगे कि रखना है या नहीं रखना है। इसके बाद मैं आज के धुले हुए कपड़े सारे फोल्ड कर दूंगी। तो आजकल मैंने हैबिट बना लिया कि धुले हुए कपड़े अगर सूख जाते हैं तो सेम डे ही मैं फोल्ड करके रख दूँ, अदरवाइज वो फिर वो रखे रह जाते हैं। पहले के व्लॉग्स में आपने देखा होगा वो कई कई दिनों तक ना रखे रहते थे, तो इसीलिए आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि सेम डे फोल्ड करके लगा दूँ, अदरवाइज़ रूम बहुत ज़्यादा मैसी रहता है। इस तरह से काम भी आसान होता है नेक्स्ट डे के लिए, और माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, पॉजिटिविटी आती है। और आजकल तो वैसे भी मौसम अच्छा हो गया तो कपड़े सूख ही रहे हैं अभी फ़िलहाल, कुछ दिन तक तो ऐसे रहेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी, जब धूप नहीं आएगी, तब फिर से यही प्रॉब्लम होने वाली है कि कपड़े नहीं सूखेंगे। फिलहाल अभी सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, और यहाँ पे हम फिर से किचन में आ गए थे, स्वास्तिक मेरे साथ किचन में आ गया, और ये वाली कैबिनेट ओपन करके, मतलब आजकल वो नीचे वाली ही नहीं ऊपर वाली कैबिनेट्स भी ओपन कर लेता है और उसमें से स्पून वगैरह निकालता है, छोटे छोटे डब्बे निकाल निकाल के फेंकता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से गेम खेल रहा है, सारे स्पून निकाल निकाल के नीचे फेंकना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको सबसे अच्छा गेम ना यही लगता है, ऊपर से स्पून निकाल निकाल के फेंकता रहता है नीचे, फिर उनके साथ खेलता है। तो इसी तरह से इसके काम होते रहते हैं आजकल। और सबसे अच्छी चीज़ इसको पता है ये लगती है, ये लिड। कहीं मुझे डर लग रहा है किसी दिन ये तोड़ ना दे। तो अभी जो है सब काम हो गया है, यहाँ पे मैंने ओट्स रखा है इसका बनने के लिए, ओट्स सेरेलेक। शाम के 7 बज गए हैं और दिया बत्ती भी मैंने कर दी है, खाना बन चुका है, बस रोटियां मुझे बनानी है तो वो मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। फिलहाल नोनो जो है खेल रहा है, उसको फुटबॉल दी हुई है, एक्चुअली मैंने वो बलून दिया हुआ है उसके साथ खेल रहा है। तो अब मैं इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और इस ब्लॉग के आगे जो आप क्लिप्स देखेंगे वो हस्बैंड ने जो मुंबई से क्लिप्स बना के भेजी हैं एयरपोर्ट वगैरह की, अपने होटल रूम की, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ। होप यू विल इंजॉय इट, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। इसी के साथ ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की क्लिप्स जरूर इंजॉय करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जा रहा हूँ होटल की ओर, अभी कैब बुक करेंगे और उसके बाद जाएंगे। अभी मुझे जाना है नवी मुंबई, आगे का मैं आपको कैब बुक करने के बाद उससे निकल के दिखाऊंगा। मुश्किल है ना टैक्सीज देखना, क्योंकि जितने भी पिकअप पॉइंट है ये ओला का पिकअप पॉइंट है, इसमें भी Z1, Z2, Z3, Z4 करके बने होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ टैक्सियाँ लगती हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। अभी मेरी टैक्सी आ रही है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए मुंबई एयरपोर्ट के हाल, क्या हालात हैं यहाँ पे, पिकअप पॉइंट ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम टैक्सी में अब जाएंगे अपने होटल की तरफ। यहाँ से कितना घंटा लगेगा भैया? जी साहब 1.25 घंटा लगेगा तकरीबन। बस भैया बता रहे हैं कि 1 से 1.25 घंटा लग जाएगा। संडे को भी ट्रैफिक जाते रहता है? नहीं साहब क्या बोलिए, मुंबई में वैसे मेट्रो का काम चालू है ना। ओके ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी आपके हिसाब से ज़्यादा
ये एग्जिट कर रहे हैं हम। गाइस वी रीच्ड एट होटल, तो अभी मैं हूँ लिफ्ट में और आपको रूम दिखाता हूँ। अब रूम का टूर, 2 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए सामने का जो ओवर ब्रिज था वो कल मैं आपको दिखा नहीं पाया, आज देखिए। अभी इस वक्त हम लोग हैं नवी मुंबई में, और जहाँ पे मैं रुका हूँ उस होटल का नाम है सरोवर पोर्टिको। ये रूम है मेरा, अभी उठ के मैं फ्रेश हो गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। फर्स्ट टाइम मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, छोटा सा पार्ट मैं आज शूट कर रहा हूँ अपनी मुंबई यात्रा का, और कुछ कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कैसे हम लोग आते हैं देहरादून एयरपोर्ट पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे बोर्डिंग होता है। और ये सब करते हुए आज मैं हूँ मुंबई में, ये है मेरा होटल रूम, थोड़ी देर में मैं जाऊँगा ऑफिस। हम लोग आए थे अभी लक्ष्मी वेज रेस्टोरेंट, ये नवी मुंबई में। हेलो, देखिए फ्रेंड्स हम तीनों साथ में ही हैं जो मुंबई आए हैं, और अब आगे की जर्नी आपको बाद में दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। कल हम लोग शायद जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, तब आपको वहाँ का एक्सप्लोर कराएंगे सारी चीज़ें।